इस फिल्म में इनका साथ दिया है इन्होंने। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार स्वागत है और हमारे जगदीश शर्मा भैया, हमारे बड़े मोस्ट सीनियर डायरेक्टर सर, देव पांडे भाई हमारे साथ हैं, देव सिंह जी हैं और अरुण काका जी भी हैं उधर, उनका भी स्वागत है। सभी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं और हमारे राइटर सुरेंद्र मिश्रा जी, इस फिल्म के लेखक जो हैं हमारे साथ, और मैं खुद विष्णु शंकर बेलू आपके बीच हूँ ही, सुबोध सेठ जी हैं, कुलदीप श्रीवास्तव जी हैं, रत्नाकर सर के लिए स्वागत है, आप प्लीज इधर आए सर, वर्ल्ड वाइड के रत्नाकर सर हमारे बीच हैं, इनका स्वागत है, और कुलदीप श्रीवास्तव जी आप आइए प्लीज इधर आइए, आपको मैंने आमंत्रित किया। एंटरटेन से अंजलि जी आए हुए, अरे सर अंजलि जी प्लीज आप यहाँ आइए प्लीज सर। अच्छा ओके एसोसिएट डायरेक्टर, हमारे फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर धनंजय तिवारी जी, जिन्होंने अपनी बहुत ही मेहनत और लगन से इस फिल्म को अपना 100% दिया है, तो आइए। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे जो साउंड डिजाइनर हैं प्रियांशु जी, रमजान हमारे इस फिल्म के बहुत अहम पार्ट हैं, रमजान जी आपका भी स्वागत है, और एक हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं प्रियांशु सिंह राजपूत, निमकी मुखिया के ये बड़े ही अहम किरदार में नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रिंस जी के भांजे हैं, बहुत जल्द बॉलीवुड में ये अक्षय कुमार जी के साथ एक फिल्म भी कर रहे हैं, बहुत जान के खुशी हुई और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। तो प्रियांशु अपने साउंड डिजाइनर वो आप आइए प्लीज, आप हमारे इस फिल्म के साउंड डिजाइनर हैं, और इनके असिस्टेंट पिंकी जी भी हैं वो भी आए, और हमारे जिसको इस फिल्म को जिन्होंने रोहित अपने DI से चमकाया है, रोहित ने आओ भाई। तो मुझे लगता है लगभग यहाँ जो उपस्थित है सारे क्रू जो फिल्म से जुड़े हुए हैं लोग उपस्थित हो चुके हैं, और अरे बंटी शेख जी मैं गुजारिश करूंगा, बंटी शेख जी हमारे फिल्म के युवा निर्देशक हमारे इंडस्ट्री के, आइए और थोड़ा सा आप लोग उस तरफ थोड़ा सा दबेंगे तो हमारे सब, तो सब हमारे एक परिवार है सिनेमा जगत के, और सारा परिवार यहाँ एकत्रित होता है जब किसी खास मौके पे, तो बहुत अच्छा लगता है, और परिवार के बड़े बड़े सीनियर्स लोग जब होते हैं तो बहुत ही गर्वान्वित होते हैं, परिवार के मुखिया सही बात है। इम्तियाज असलम जी आप हैं हमारी अगर आवाज सुन रहे हैं तो कृपया यहाँ आएंगे, इम्तियाज असलम आप एक बड़े ही बेहतरीन अभिनेता इम्तियाज असलम जी आपके बीच, और आइए इसी तरीके से हम शुरुआत करते हैं। और मैं चाहूंगा कि सब तो है ही, एक फिल्म का जो सबसे पहले जो पोस्टर जो हम देखेंगे, पहला फर्स्ट लुक जिसको अपने बहुत ही सुंदर
मेहनत से सजाया है। हमारे गोपाल मेहता जी, मैं उन्हें चाहूंगा कि वो छूटने नहीं चाहिए, अगर आप तक हमारी आवाज जा रही है तो गोपाल जी आप प्लीज इधर आएंगे, गोपाल मेहता जी। और इन्हीं के मेहनत का आज ये नजर आएगा। बेहतरीन गायक और नायक कलाकार राकेश मिश्रा जी, आपका स्वागत है। सुजीत सिंह जी, डायरेक्टर सुजीत सिंह जी आए हुए हैं, इनका स्वागत है। विजय यादव भैया हमारे इंडस्ट्री के मार्केटिंग के हेड आईआर है, जरूर आप सम्मानित हैं, आपको हम जानते हैं, आप आज से नहीं एक समय से सिनेमा जगत से जुड़े हमारे गार्जियन स्वरूप हैं आप लोग। आइए तो आइए, राजकुमार भैया कहाँ गए? राजकुमार क्यों बंद होता है? आइए रोशन भैया, इंडियन का फर्स्ट लुक और एक जोरदार ताली दुर्गा दादा के माध्यम से इसकी शुरुआत करते हैं। और ये देखिए ये हुआ और बहुत ही खूबसूरत है, जोरदार ताली बजनी चाहिए, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। प्रिंस सिंह राजपूत इसमें नजर आ रहे हैं, गन लिए हुए, माथे पे तिरंगा, और रितिका जी ठीक इनके पीछे, हाथ में गन, और देखिए एक कोने में जमाल खान और विपिन सिंह जी हथियार लिए हुए, और प्रेम दुबे जी दिल्ली के लाल किला के बीचों बीच चलते हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। तो आइए फर्स्ट लुक हम लोगों ने देखा है, हाँ बेलू जी चलिए आइए। और हमने देखा सर को, बहुत बहुत बधाई हमारे निर्माता दीपक जैन जी को, जिन्होंने इतने शिद्दत और मेहनत से ऐसी बेहतरीन फिल्म बनाई है। यस भाई, दो मिनट बोलेंगे। यस जी, मैं चाहूंगा दो शब्द कहेंगे। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, हम सब इंडियन हैं। तो मुझे लगता है कि टाइटल अपने आप में एक विशाल टाइटल है, इस फिल्म को हिट होने से कौन रोक सकता है, क्योंकि एक बार अगर मुझे लगता है कि प्रिंस बाबू सामने आए और बोल दें कि हर इंडियन को कसम है कि ये फिल्म आप सबको देखना है, जो फिल्म नहीं देखेगा वो इंडियन नहीं पाकिस्तानी है, तो यकीन मानिए आपके फिल्म को बच्चे से लगाए बूढ़े तक सब जाएंगे वो, क्योंकि उनको अपने आप में अपना जो एक दिल होता है वो दिल कभी भी ये गवारा नहीं करेगा कि हम अपने आप को अंदर से पाकिस्तानी माने। तो जो नहीं चाहेगा वो भी जाकर के इस फिल्म को देखेगा। मेरी बेस्ट विशेष हैं, शुभकामनाएं हैं प्रिंस जी के लिए, रितिका जी के लिए और दीपक जैन के लिए। थैंक यू सो मच। फोन थमा देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। अभी यश इतना कुछ बोल दिए सारे इंडियन को पिक्चर देखना है, अब हम इसके आगे क्या बोलें। मैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं दीपक जैन जी से मिला, और ये इतने एंथुजियास्टिक हैं, इतना एनर्जी इस आदमी में भरा हुआ है कि मैं इनको नमन करता हूँ उस एनर्जी के लिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ प्रिंस को, रितिका को, और जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती वो दिन लाए कि मैं इस टीम के साथ आदिशक्ति के बैनर में फिल्म बनाऊँ, और मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद आप सबको, आपने हमें यहाँ बुलाया, और हमारे जो दीपक जी की फिल्म इंडियन विराज, बहुत विराज मतलब इंडियन तो है ही है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं नीचे विराज भी लिखा है, मतलब अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली और सब कुछ, तो ईश्वर करे वो सारी शक्ति जो दैविक शक्तियाँ हैं फिल्म के अंदर लगे और ये फिल्म बड़ी हिट हो। इसमें जो है प्रिंस हैं, इसमें रितिका हैं, मुझे गर्व है क्योंकि रितिका पहली बार हमारी फिल्म थी ट्रक ड्राइवर, जहां से इन्होंने शुरुआत किया था, तो आई एम वेरी हैप्पी। रितिका मैं आपको यहां इस पोस्टर पर देख रहा हूं तो मुझे बहुत खुशी हो रही, तुम इधर आ जाओ, ये देख लो, ये तो ये बहुत अच्छी बात है, और आगे और बढ़ो, पूरी टीम आगे बढ़े। दादा ने जैसे कहा आदिशक्ति में आप लोगों का फिर एक जुड़ाव, अच्छा जुड़ाव हो और ये इंडस्ट्री आगे बढ़े, हमारे सभी कलाकार सभी टेक्नीशियन आगे बढ़े, बस हम लोग यही चाहते हैं और क्या, अदरवाइज हम लोग तो भूतपूर्व है ही हैं। हाँ वो फटा हुआ है थोड़ा, दादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसमें हमारी गलती नहीं है, आदिशक्ति कंपनी की गलती है, हमारी गलती नहीं है। दादा ध्यान देते तो अच्छा कपड़ा पहनता। बट 15 अगस्त आ रहा है और मीडिया के सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और इंडियन फिल्म की जो ये लॉन्चिंग है इसके उपलक्ष्य में मैं एक देशभक्ति गीत गाऊंगा और कुछ नहीं। जग जग भारतवासी जग हो बिरंगना, झुकी नहीं झंडा हिंदुस्तानी, जवानी चाहे हो जाए कुर्बानी।
वेरी हैप्पी, मुझे अपने मामा के लिए सबसे ज्यादा खुशी है बिकॉज इन्होंने तो मुझे मेरे बचपन से देखा ही है, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं भी इनको देख रहा हूँ. सो आई हैव सीन हिम अपग्रेडिंग हिमसेल्फ. ये जैसे थे हर एक साल दर साल बदलते गए और इन्होंने बहुत मेहनत की इस पोस्टर पर आने के लिए. तो जोरदार तालियां मामा के लिए. और टेलीविजन इंडस्ट्री में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ी सच्ची सी बात होती है कि गॉड फादर जब तक आपको नहीं मिलता यू कैन नॉट डू एनीथिंग. सो आई पर्सनली थिंक कि दीपक जैन हैज सपोर्टेड एज अ बैकबोन. थोड़ा बीच में, ही इज अ बैकबोन ऑफ माय मामा. सो एक बार जोरदार तालियां दीपक जैन, क्योंकि जब डे वन पे व्हेन आई केम टू बॉम्बे, फिर जब मैं ट्रेन से उतरा तो मेरे मामा ने बोला कहाँ हो आप. मैंने बोला मामा मैं स्टेशन पे हूँ. मामा बोले कि ठीक है आ जाइए मैं आपको लेने आता हूँ. और मामा मुझे मेरे बैग के साथ लेकर पहले दीपक सर के ऑफिस में आए थे, इफ यू रिमेम्बर. एंड इट्स 2013 दिसंबर और तब से ये आज का दिन है. मैंने भी 7-8 मेरी जर्नी रही है. मैं सीरियल करने आया था, अब तक 8-9 सीरियल कर लिए. टचवुड आपके आशीर्वाद से मैं निमकी मुखिया कर रहा हूँ. मेरी फिल्म भी आ रही है, बट अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे. अभी हम बात करेंगे मामा की फिल्म की. ऑल द वेरी बेस्ट मामा, और मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्राउड है कि आप मेरे मामा. थैंक यू वेरी मच. अगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया. 8-10 साल पहले हमने शुरुआत की थी. आज भी इंडस्ट्री के 60-70% लोगों के साथ मैं काम कर नहीं पाया हूँ, बट जिन लोगों के साथ काम कर पाया हूँ उनमें से हमारे प्रिय अजीज या गार्जियन कहें हमारे दीपक जैन जी हैं. इनकी लगभग मैंने सारी फिल्में की है. रितिका जी मेरी जब शुरुआत इन्होंने की थी तो ये इनसे हमारी अच्छी दोस्ती है, हमारी अच्छी पहचान है, एक घरेलू जैसा. इन्होंने इनके साथ कई फिल्मों में मुझे मौका मिला और इस साल की पहली सबसे सुपरहिट फिल्म थी वांटेड, उसका मैं विलेन था. और मुझे गर्व है, खुशी है कि पहली हिट फिल्म 2018 की उसका विलेन मैं था. मुझे मौका मिला था, मैंने अच्छा परफॉर्म किया और इंशाल्लाह इंडियन में भी हमारी ज़बरदस्त भूमिका है. बहुत कम समय में दिन रात मेहनत करके मैंने इस फिल्म को कंप्लीट किया. बड़े गुणीजन यहाँ मौजूद हैं, लोगों का आशीर्वाद मिले यही आशा है, यही कल्पना भी करता हूँ और आशान्वित भी हूँ. मैं तमाम लोगों को शुक्रिया कहता हूँ और सबसे हमारे अनुज जो भ्राता हैं प्रिंस सिंह राजपूत जी, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इनको भरपूर आशीर्वाद दें. जी मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है और मैं शुभकामनाएं दूंगी उनको ढेर सारी, सारी टीम को और खासकर दीपक सर को. और मैं चाहूँगी कि ये इंडियन फिल्म आप सभी मीडिया वाले के हाथ में, इसको आप लोग सुपर हिट करो और ऑल द बेस्ट. हर हर महादेव. इंडियन फिल्म के पूरी टीम के सावन के आज तीसरा सोमवार है, करापा ढेर सारा शुभकामना बा, अभिनंदन बा और शुभकामना हम दें पूरी टीम के. हमारे अजीज मित्र, हमारे भाई प्रिंस सिंह, रितिका जी, रूपा, पूरी टीम. और मैं चाहूँगा कि ये फिल्म थिएटर में जाए, आप सबका प्यार मिले और सबसे ज़्यादा आप सब मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. और हम आप लोग से आग्रह भी करब कि आप लोग फिल्म के आशीर्वाद दी, प्यार दी. और हम ये कहब कि सावन के तीसरा सोमवार है आज, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव. राष्ट्रपति इंडियन है, सबको प्रणाम. दोस्तों इस इंडियन के लुक देखने के बाद तो कम से कम इतना जरूर लग रहा है कि अगर प्रिंस सिंह जी को अकेला छोड़ दिया जाए तो बाघा बॉर्डर से कराची तक अकेले दौड़ा लेंगे लोग. मैं शुभकामना बोलने के लिए कहा गया है, लेकिन एक तो ठाकुर और दूसरा भूवर भूवर, तो जब तक तो कुछ कड़क ना बोलूं तो जाएंगे बाघा बॉर्डर के पास नहीं जाएंगे, जाने दीजिए, क्योंकि 30 साल का जेल कैसे छूट के आएंगे. लेकिन इसके बाद भी दीपक जैन जी जो आदरणीय है, सब हम सब के बड़े भाई हैं, प्रिंस सिंह जी और इस फिल्म में काम करने वाले जितने भी स्पॉट बॉय से लेके दीपक जैन और प्रिंस सिंह और ये हमारी मोहतरमा रितिका जी, सारे लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद. और भगवान करे ये पूरी टीम एक बुलंदियों पर जाकर फिर से एक नया
मुकाम स्थापित करें, धन्यवाद कर दिया। लेकिन अपने शब्दों से, अभी 17 तारीख को वहाँ इमरान खान जी प्रधानमंत्री हो रहे हैं, भगवान उनको पता नहीं क्या सद्बुद्धि देता है, भारत से उनके संबंध कैसे होते हैं, लेकिन एक इंडियन होने के नाते हमारे प्रिंस सिंह राजपूत अपनी फिल्म के माध्यम से ही उनको चेतावनी या शुद्धिकरण का आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। प्रिंस सिंह जी दीपक सर कहा है हमको इंडियन बनाने में सबसे बड़ी हाथ दीपक सर का है, रितिका जी का है, मैं दोनों को थैंक यू करना चाहता हूँ। हमारे सारे मीडियागण को मैं थैंक यू बोलता हूँ, और जो हमारे गेस्ट है सब लोगों को थैंक यू। और डायलॉग जी नहीं पहले डायलॉग आप बोलिए, आप मेनू किससे गाना गवाइए। हाँ राम भाई कौन सा इस फिल्म का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है जिसको दो हीरो ने बोला है, जमाल जी ने शुरुआत की है, प्रिंस जी ने उसको चरम सीमा पे चढ़ाया है, तो दोनों को बारी बारी से बोलिए। जमाल थैंक यू। अब बेरू भैया और टीचर और आइए, जैसा कि आपको मैं बनाएंगे तो इतनी अच्छा गेट टुगेदर देंगे, और फिर से मुझे बुलाना जरूर है। ये माइक्रोफोन देता हूँ, इसने ये पेट छुपाओ मत, बहुत अच्छा है। और आइए, जब अगस्त की रात 12 बजे आपको इंटरनेट के माध्यम से देखने को मिलेगा, और ये एंटरटेन म्यूजिक के माध्यम से आपके बीच आज रात 11 बजे इसका टीजर लॉन्च हो जाएगा, आप सभी अपने YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। और बहुत बहुत बधाई है हमारे सर दीपक जैन जी को, और प्रिंस सिंह राजपूत जी को, रितिका जी को, रूपा जी को, और आए हुए हमारे सिनेमा से जुड़े जितने लोग हैं, जमाल भाई और प्रेम दुबे, और हमारे जितने भी आगंतुक हैं सबको धन्यवाद है। एक नाम मैं छूट रहा था जो इस फिल्म के प्रचारक हैं, पीआरओ हैं, उदय भगत जी, जोरदार ताली इनके लिए और इनके टीम के लिए, जोरदार ताली। और बहुत ही अरे बहुत खास धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इस फिल्म के शूटिंग को करवाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो है हमारे रमजान भाई जी का। एक जोरदार ताली रमजान जी के लिए, क्या बात है। और जैसे जैसे जानकारी मुझे मिलती जा रही है, तो आइए इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं सर, और मैं चाहूंगा कि मैं सभी लोग इंजॉय करें, और पार्टी तो अभी चली रही है, लास्ट चाहूंगा दो शब्द आप बोले सर। आप सभी लोगों ने फिल्म के टीजर ट्रेलर को इतना सराहा, और आपके लिए बहुत धन्यवाद, आपकी दुआएं आपका आशीर्वाद साथ में है, उम्मीद करते हैं फिल्म को दर्शक बहुत पसंद करेंगे। लॉन्च हुआ है जी, सबसे पहले आप अपने शब्दों में बताइए कि आप क्या कहते हैं, इस खुशी को किन शब्दों में बयां करेंगे। देखिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं सबसे पहले अपना इंडियन जो नाम है उस फिल्म में मैंने वर्क किया, दीपक जी ने हमको सेलेक्ट किया, रितिका जी हमारी हीरोइन है, तो इंडियन से हमको बहुत उम्मीद है और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और आज 15 अगस्त के दिन हमारा ट्रेलर लॉन्च होगा और आज टीजर लॉन्च होगा। इंडियन की जो कहानी है इस आपको पता ही होगा कि इससे पहले सनी देओल साहब की एक फिल्म आई थी इंडियन जी, क्या उससे इंस्पायर्ड होगी या उससे कुछ मिलती जुलती कहानी हो सकती है। नहीं नहीं, उस टाइप से कोई कंसेप्ट नहीं, बिल्कुल हमारा फिल्म का कंसेप्ट अलग है और सनी जी का अलग था, उससे कोई मिलता जुलता कंसेप्ट नहीं। और जरा आपके साथ और भी जो सितारे हैं आकाश क्रू में जो लोग हैं, जरा उन्हें भी आप थोड़े से क्रेडिट दीजिए, नाम बताएं जरा उनके। सॉरी, जो नाम है, जो फिल्म लोग हैं जरा उनके नाम बताएं जरा। जी जी जी, तो अभी मैं रितिका जी के साथ कर रहा हूँ फिल्म्स के पहले भी किया, बैक टू बैक मैं इनके साथ फिल्में कर रहा हूँ, ट्यूनिंग मेरा बहुत अच्छा है इनके साथ और करके बहुत मज़ा आता है। बिपिन जी के साथ भी काम किया, जमाल भाई जो हमारे इसमें सेकंड लीड कर रहे हैं उनके साथ भी, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, बिपिन जी के साथ भी मैं कंटिन्यू फिल्में किया, एक हम लोग का टीम बहुत अच्छा है ये। रितिका आप क्या प्ले कर रहे हो फिल्म? वो तो मैं बताऊंगी नहीं, वो तो जब फिल्म रिलीज होगी और हमारी ऑडियंस को पता ही चल जाएगा, पर जो रोल मैं कर रही हूँ बहुत ही मजबूत रोल कर रही हूँ उस फिल्म में। कैसे ये फिल्म आप तक पहुँची कि भाई ये फिल्म इंडियन आपको करनी है? जी मैं ज़्यादातर इस प्रोडक्शन हाउस की फिल्में करती हूँ, और जब ये फिल्म बन रही थी तो उस टाइम पर मैं भी वहाँ पर थी, मीटिंग जब चल रही थी, सो फाइनली ये फिल्म मुझे मिल गई।
प्रिंस जी, फिल्म की जरा रिलीज डेट के बारे में हमें बताएं कि कब तक फिल्म आ सकती है ये? सितंबर 14 से के आसपास में रिलीज हो सकती है। फिल्म का जो मैंने टीजर और ट्रेलर देखा, आप एक बार मुझे कैदी नजर आ रहे हैं, फिर आप देश के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, असल में किरदार क्या है आपका? वो फौजी है, वो कैदी है या फिर कुछ और है? कुछ नहीं, एक इंडियन इंसान है सिर्फ, बाकी फिल्म मैं एक भारतीय हूँ। मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक इंडियन हूँ। फिल्म में जो विलन है प्रेम जी, वो कटप्पा, पहली बार कटप्पा एक भोजपुरी फिल्म में नजर आ रहा है आपके साथ, आपको नहीं लगता है अच्छी चीज है फिल्म के लिए? फिल्म में कटप्पा भी आपके साथ नजर आएंगे जी, तो जरा उनके बारे में भी बता दीजिए। आपको नहीं लगता कि कटप्पा जब भोजपुरी में आएंगे तो उससे फिल्म का, आपकी फिल्म को उसको फायदा होगा खासतौर पे? नहीं नहीं, टीजर हमारे सारे मीडिया भाई ने देखा, पूरा दर्शक देखा, चाहे हम देखे, उनसे मेरे को बहुत अच्छा, मतलब कटप्पा का रोल बहुत बेहतरीन है और इससे फिल्म को लाभ मिलेगी। फिल्म में जो विलन है विपिन जी, उनके साथ काम करके आपने कैसा महसूस किया? उन्होंने अपना किरदार कितना बखूबी निभाया है? नो डाउट, वो तो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट है, उनके साथ मैं दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, एक बड़े भाई जैसे है, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। कुछ कहना चाहते हैं आप ऑडियंस से जाते जाते प्रिंस जी, अगर आप अपनी फिल्म को लेके कहना चाहें या ट्रेलर को लेके कहना चाहें? जी, सबसे पहले मैंने अपने प्रोड्यूसर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि दीपक सर जी ने हमको इंडस्ट्री में खड़ा किया और पहली लेके फिल्म बनाई, फिर दूसरी लेकर अभी इंडियन आ रहे हैं, फिर तीसरी में मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर है रामाकांत प्रसाद जी, जो भोजपुरी के शोमैन कहे जाते हैं, उनके साथ मैंने दूसरी फिल्म किया, तीसरी भी कर रहा हूँ। ये लोग बहुत अच्छे इंसान है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं दर्शकों से यही निवेदन करूँगा कि भैया हम सिंगर ना है, हम है वो एक्टर हैं, जैसे सबको स्टार आप लोग बनाए, अपने भाई, छोट भाई, बड़ भाई जो हमसे वो है, अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए कि मेरी इंडियन फिल्म आ रही है, देखिए अगर अच्छा लगा तो उसको हिट करिए आप। रितिका जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि जब भी ये फिल्म लगे प्लीज़ आप थिएटर में जाके देखिएगा, मोबाइल में मत देखिएगा, प्लीज़ यही कहना चाहूँगी आपसे। थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? देशभक्ति फिल्म है और जो पेयरिंग आपकी हुई है मैम के साथ उसके बारे में बताइए। थोड़ा जोर से होता है, अगर मीडिया वाले ना हो तो शायद इतना सारा वो सब ना मिल पाए। तो क्या क्या पूछे आप? कैसे जोरदार आवाज में आपने डायलॉग बोले हैं, उसके आधे या उससे भी कम जोरदार आवाज में अगर आप बोलेंगे तो हम अच्छी तरह से सुन पाएंगे। अच्छा नहीं, वो जोरदार आवाज तो जब इस तरीके के डायलॉग होते हैं, देशभक्ति वाले जब डायलॉग होते हैं तो ऑटोमेटिक निकल, दिल से निकल जाता है। डायलॉग तो बहुत सारे हैं, कौन सा डायलॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा वो सुना दीजिए। मैं एक डायलॉग बहुत अच्छा है उसमें, सुनाइए कि जलता हुआ दिया हूँ चाइना का ट्यूब नहीं, और तिरंगा लहराना दिया पाकिस्तान में तो इंडियन मेरी पहचान। प्रिंस जी ने बोला था, उनका आवाज भारी है तो वो थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ एक्शन पे ही लोग एक्शन पे ध्यान होता है। बाकी रही फिल्म की बात, तो पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, बहुत मेहनत किया गया है पिक्चर में, हमारे डायरेक्टर रमाकांत प्रसाद जी ने बहुत अच्छा, उनके साथ काम किए, बहुत अच्छा डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, तो बहुत मेहनत की हम लोग इस पिक्चर को बनाने के लिए। बहुत कड़ी ठंड थी फिर भी हम लोग शूटिंग करते थे, रात दिन रह के शूटिंग करते थे, और तभी सारे मेहनत के बाद ही तभी जाके रिजल्ट आप लोगों को टीजर और इसमें ट्रेलर में देखने को मिला है। अगर मेहनत सारी मेहनत होगा, आप रंग लाई है, मेहनत रंग लाई है। यस मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? और आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। टीजर देखने के बाद आपको कैसा लगा? सबसे पहले आप अपनी बात बताइए, बाकी में बाकी कुछ। मुझे जितना को कम है, मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और फिल्म का नाम जैसे कि इंडियन विराज, जहाँ देशभक्ति का नाम आ जाता है तो वहाँ कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और बस दुआ करूँगी ये फिल्म हमारे ऑडियंस, हमारी जो श्रोतागण है उसको खूब हिट बनाए। मैं तो इसमें एक मेहमान कलाकार में हूँ, गेस्ट अपीयरेंस में हूँ, छोटा सा मेरा है बस। जरूर आपकी दुआ रंग लाएगी जी। जमाल भाई, ऐसी जो फिल्में होती हैं जो कि एक्शन ड्रामा होती हैं या फिर जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है, तो रोमांस और कॉमेडी के लिए बहुत स्पेस होता नहीं, बहुत जगह नहीं होता है। अब इस फिल्म में इस फिल्म में कॉमेडी का जगह तो मेरे हिसाब से बचा ही नहीं था,
क्योंकि जहाँ पे देशभक्ति की बात आ जाती है, और देशभक्ति को तो छोड़ दीजिए, आप जहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बात आ जाता है तो अलग ही जोश आने लगता है। तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान को देख के जो डायरेक्टर साहब ने हमारी जो शुरुआत की पिक्चर को, तो इसमें कॉमेडी और रोमांस का जगह बहुत कम था, रोमांस थोड़ा दिखाया गया है बट कॉन्सेप्ट ही वो नहीं था कि उसमें कॉमेडी पंचेस डाला जाए, कोई सीन डाला जाए, तो इसलिए फिल्म की सीरियसनेस को असर हो सकता है। जी 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 जी, तो रोमांस के लिए कितनी जगह मिली? कुछ मिली है इनके लिए, बहुत इनके तरफ से, इनकी हीरोइन की तरफ से मिली है। बहुत दुखी है हमारे हीरो, अगली पिक्चर में पूरी हो जाएगी। ऑडियंस को तो प्लीज, ऑडियंस से तो यही कहना चाहेंगे, ऑडियंस को तो सबसे पहले प्रणाम करना चाहेंगे कि अगर आप लोग हैं तो ही हम लोग हैं, प्यार आशीर्वाद ऐसा ही बनाए रहिए, और फिल्म इंडियन को खूब सारा प्यार दीजिए, इसको हिट बनाइए, बस आप लोग के ही हाथ में है। देखिए अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है तभी हम हैं, हम लोग हैं जितने टेक्नीशियन हमारे हैं, एक्टर हैं, और अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे जिस तरीके से और एक्टर लोगों से प्यार आशीर्वाद आप लोगों का बना है और जगमगा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो मेरा भाषा है भोजपुरी से मुझे प्यार है, तो मुझे भी आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए और मुझे भी सभी की तरह मुझे भी आगे बढ़ाइए, और आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद सदा बनाए रखना, अगर मेरे से कोई भूल भी हो जाए तो उसको आप लोग नज़रअंदाज कर देना, माफ़ कर देना। इंडियन फिल्म को खूब सारा प्यार दीजिए, सुपर हिट बनाइए, सुपर हिट बनाइए, और ये फिल्म जब रिलीज होगी आप सभी सुधीजन दर्शकों का विपिन सिंह की तरफ से अभिवादन प्रणाम स्वीकार करें। विपिन जी क्या किरदार है आपका इस फिल्म इंडियन में? मैं इसमें विलेन के रूप में हूँ, ललहारी गिलानी, एक है तो हिंदुस्तानी पर गुण गाता है वो पाकिस्तान का, काम भी करता है वो पाकिस्तान के ही नक्शे कदम पे वो चल रहा है, पाकिस्तान की तरफदारी में ही रहता है, खाता है हिंदुस्तान का, यूँ कहिए आप तो भीतर ही भीतर हिंदुस्तान को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, विलेन का किरदार है इसमें कर रहा है। कहानी आपको कितना, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ऐसा मुद्दा है जिसमें बॉलीवुड में भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, अब आपकी एक नई फिल्म है इंडियन, आपको लगता है इसमें कुछ नयापन होगा? नयापन है, मैं वांटेड की शूटिंग जब कर रहा था उसी दरमियान ये हमारे प्रोड्यूसर महोदय साहब का फ़ोन आया, डायरेक्टर साहब का, कि आप फिल्म इंडियन भी करेंगे और इसमें भी आपका मुस्लिम किरदार है और संवाद सारे हिंदी में होंगे। देखिए मैं पूर्णतः अभिनेता हूँ, मैंने अपना सर्वस्व जीवन रंगकर्म को अभिनय के प्रति समर्पित किया, अल्पायु से शुरू हुआ, बड़े बड़े रंगकर्मियों के साथ हमने काम किया, बड़े बड़े रंगकर्मियों में जैसे रतन थ्याम, बाबा कारंत, हबीब तनवीर साहब, प्रसन्ना जी, सी वासवलिंगैया जी, रंजीत कपूर साहब जो अनु कपूर साहब के बड़े भाई हैं, वो मैं इन लोगों के साथ ही पला बढ़ा और इनसे सीखता ही रहा और अभी तक इस उम्र में भी सीख ही रहा हूँ। ये फिल्म मुझे वांटेड के दरमियान मिला और ये दोनों कैरेक्टर वांटेड का और इंडियन का लगभग बराबर है, तो मुझे लगा कि दोनों में लेकिन एक अभिनेता के दृष्टिकोण से भिन्नता होनी चाहिए, हालांकि बड़े कम समय में 3 रात और 3 दिन कंटिन्यूस जागा था इस फिल्म के लिए और इस फिल्म को कंप्लीट किया था, क्योंकि डेट का थोड़ा कमी था और वांटेड की शूटिंग चल रही थी, मैंने करने की भरपूर कोशिश की है और मुझे लगा है कि मेरे सोच के अनुसार, मेरे अनुरूप मैंने इस किरदार को जीवंत करने की भरपूर कोशिश की है और दर्शकों को आनंदित निश्चित करेगा। सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपका जो किरदार है काफ़ी पावरफुल है, क्या कहना चाहिए, इसका कितना फ़ायदा होगा? नमस्कार, मैं हूँ आपका प्रेम दुबे। ये जो कटप्पा कैरेक्टर है बहुत पावरफुल रोल है, पाकिस्तानी एक कैरेक्टर है जो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता है और हिंदुस्तान को पूरा कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान से बैठे बैठे, और वो लास्ट में यही करता है कि कुछ नहीं पाता तो हीरोइन को उठा के लेके जाता है जो खरीद लेता है पूरा हिंदुस्तान और हीरोइन को। क्या बात है प्रेम जी, मैं सबसे पहले तो खुश हूँ कि भैया हमारे पास भोजपुरी में अपना खुद का एक कटप्पा है।
आपने जब ये रोल आपको ऑफर हुआ होगा कि भाई आपको ऐसा कुछ किरदार निभाना है, ये कटप्पा असल में सोच किसकी थी, इसका नाम किसने? ये सही आप पूछ रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा डायरेक्टर रमाकांत जी को। रमाकांत जी की सोच एक बहुत अलग है। उन्होंने मुझे जब ऑफर किया और बुलाया कि एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है जो टकला होना है और ऐसे ऐसे, मैं बोला सर जो कटप्पा ऑलरेडी है और ये कटप्पा कहाँ, मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है ना। तो बोले कि अरे नहीं आइए करिए, बहुत अच्छा कैरेक्टर है देखिए। तो उन्होंने बताया कि मतलब कटप्पा शॉर्टकट नाम है, फुल नाम है का से करीम, टा से टकला, पा से पापी, पाकिस्तान आवाम हमको प्यार से बुलाती है कटप्पा, तो कटप्पा शॉर्टकट नाम है। और उनकी चॉइस थी, बहुत गजब का उन्होंने मतलब कैरेक्टर को डिज़ाइन किया था। थैंक्स रमाकांत जी प्रसाद जी को और इस फिल्म के डायरेक्टर दीपक जैन जी को और प्रोड्यूसर दीपक जैन जी को, सॉरी। अच्छा सेट पे आपको लोग चिढ़ाते नहीं थे? बहुत चिढ़ाते थे वहाँ, मतलब जब सेट पे मैं रेडी होता था तो हर समय ठंडी का मौसम था, एक तो ठंड से फटी रहती थी पूरी गांव के लोग, हर लोग मुझे ये मतलब कटप्पा है कटप्पा कहाँ जा रहा है कटप्पा कटप्पा करके बुलाते थे। और कहीं ना कहीं एक्टर होने की वजह से जब कैरेक्टर नाम को लोग बुलाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा तो लगता है कि चलिए पहले ही से थोड़ा सा फेमस हो रहे हैं। थैंक यू। देखिए बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए मुझे, अगर आप ये कह रहे हैं कि पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से हो जैसे हो फिल्में हिट होनी चाहिए। फिल्में अच्छी बन रही हैं तो फिल्मों को हिट होने का पूरा मतलब श्रेय जाता है। और देखिए अपने आप की चीज़ों को मनाने के लिए, अपनी चीज़ों को आगे लाने के लिए आप जो हथकंडे अपना सकते हैं अपनाइए, क्योंकि थिएटरों तक पब्लिक जाएंगे, पब्लिक जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। आज समस्या सबसे बड़ी ये हो गई है कि थिएटर तक पब्लिक नहीं जा रही है, तो पब्लिक को लाने का एक नया हथकंडा है। और हमेशा फिल्म मेकर्स नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं, ये भी एक हथकंडा हो सकता है। आपको नहीं लगता आपकी तरफ से कोई गलती हुई है? कोई कोई भी फिल्म बनाए और वो कहे अगर मेरी फिल्म कोई नहीं देखे तो पाकिस्तानी है? नहीं लगता? मैं किसी फिल्म के लिए नहीं कहूँगा, इवन मैं अपनी फिल्म के लिए नहीं बोला, नागराज अभी हिट हुई है मेरी और मैंने नागराज के लिए नहीं बोला कुछ ऐसा, बट चूंकि टाइटल ये इंडियन है, भारत से जुड़ा हुआ है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि हर भारतीय को ये इंडियन फिल्म देखनी चाहिए, जो नहीं देखे पाकिस्तानी। बीइंग इंडियन वी शुड प्राउड। यस यस, हिंदुस्तानी होना गर्व की बात है, ये अलग बात है, लेकिन कोई भी फिल्म देखना वो अपनी मर्जी की बात है, चॉइस की बात है। देखिए भाई साहब, हम सम टाइम इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ब्लैकमेल होना है तो आइए, नहीं होना है तो फिर आशीर्वाद दीजिए। आप मानते हैं कि आपने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी? मैं हमेशा कोशिश करूंगा, क्योंकि जनता को ब्लैकमेल करना मैं चाहता हूं, और ब्लैकमेल करना इसलिए पड़ता है कि मेरा ये जो भाई है प्रिंस सिंह राजपूत ने कितना बढ़िया काम किया है, और मैं कसम से आगे मैं खुद सोचूंगा कि मैं किसी फिल्म को करूं तो इनके जो लंबे लंबे बाल हैं, ये जो मूछें हैं, ऐसा गेटअप लेकर के मैं काम करूं। और मैं वंस अगेन एक बार और कह रहा हूं, नहीं बाहुबली नहीं दिखता, बाहुबली इनके जैसा दिखता है। ठीक है, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहूँगा कि बाहुबली, हर इंसान का अपना एक अलग व्यक्तित्व है, प्रभास का एक अलग व्यक्तित्व है, प्रिंस सिंह राजपूत का एक अलग व्यक्तित्व है। अपने साथ रखिए भाई एक फिल्म में। नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस भाई, आप ज़रूर रहेंगे मेरे साथ फिल्म में। ऐसी कोई कहानी आए जिसमें मुझे लगे कि मुझे प्रिंस जी के साथ कैमरा शेयर करने का सौभाग्य इस फिल्म में मिल सकता है तो डेफिनेटली आई विल वर्क विद हिम। यस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, लव यू भाई। आए मेरा भांजा प्रिंस सिंह राजपूत जो अभी इनकी मुखिया कर रहे हैं। आई हैव सीन भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आई हैव सीन एवरीबॉडी ऑल ऑफ यू वर्किंग। आप लोग इस ट्रेलर के पीछे आप लोग सभी लोग हार्डवर्क दिखता है, मामा आपका हार्डवर्क दिखता है। सॉरी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है भोजपुरी के बारे में, बट स्टिल मतलब मैं जानता हूँ कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और आप लोग कितनी मेहनत करते हैं इस फिल्म को बनाने के लिए, ट्रेलर को बनाने के लिए, ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए। सो मेरी तरफ से भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये एकमात्र इंडस्ट्री है जिसको आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं, नहीं है भी, बिकॉज ऑफ एक, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, साउथ की फिल्में साउथ में बनती हैं, उसका व्यापार बहुत बड़ा है, उसकी टेरिटरीज बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब वो बॉम्बे में रिलीज़ होता है या बिहार में रिलीज़ होती है, वो फिल्म उत्तर प्रदेश में रिलीज़ होती है तो उसको हिंदी में डब किया जाता है, हिंदी फिल्में हॉलीवुड में जाती हैं तो इंग्लिश में डब करके रिलीज़ होती हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में, चाहे कोई गुजराती फिल्मों को देख लीजिए हिंदी में डब होती है, मराठी फिल्मों को भी कई बार होते, लेकिन भोजपुरी फिल्म एकमात्र ऐसी भाषा की फिल्म है, उसको आप बिहार लगाइए, यूपी लगाइए, मुंबई लगाइए, कलकत्ता लगाइए, नेपाल लगाइए या फिर साउथ में ले जा करके लगाइए, ये एकमात्र ऐसी भाषा की फिल्म है कि जहाँ लगती है अपनी पहचान के साथ लगती है, भोजपुरी भाषा में लगती है, तो ये गौरव सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी भाषा की फिल्मों को मिला है, बाकी किसी फिल्मों के लिए। माने कि एज ए एक्टर एस्टेब्लिश इंडस्ट्री में, माने सीना चौड़ा जो भाई का रिलीज होता है, मैं यूट्यूब पे चाहे सिनेमा हॉल में हम लोग जाके देखते हैं,
जीते हैं ये बस सिनेमा के लिए शायद। हाँ ये बस है कि सिनेमा के लिए जीता हूँ और सिनेमा के लिए ही बस एक ही ख्वाहिश है कि जब आखिरी सांस निकले इस शरीर से तो इस शरीर का आखिरी सांस किसी सेट पे ही निकले, यही ख्वाहिश है। और इसी नई नई चीज़ों को लाने की कोशिश करता हूँ कि हर बार एक नई चीज़ लेकर के आऊँ। और हमेशा एक चीज़ अच्छी लगी मुझे इस फिल्म का, एक्शन वाकई में बहुत अच्छा है, डायलॉग बाजी बहुत भारी भरकम है। मैंने अभी तक ऐसे किसी डायलॉग बाजी की फिल्म नहीं की है एंड आई वुड लव टू डू कि मुझे भविष्य में ऐसा कुछ मौका मिले कि मैं ऐसी भारी भरकम डायलॉग वाली फिल्में करूँ। और बस नई चीज़ें हमेशा अप्रिशिएट होती हैं और नई चीज़ों में अभी इसका प्रूफ भी है। अभी नागराज की जो हमारी कामयाबी मिली, मेरी इच्छाधारी के बाद फिल्मों को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, इच्छाधारी के बाद फिल्म मेरी नहीं कसम पैदा करने वाले की को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर उसके बाद दो तीन फिल्में विफल हुई मेरी, फिर नागराज फिल्म ने हिट का एक झंडा गाड़ा। मैं वो एक्टर हूँ कि मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि मेरी फिल्म चली है और मेरी फिल्म नहीं चली, नहीं चली। तो नागराज चली है, उसके लिए आप सब भोजपुरी दर्शकों को और भोजपुरी इंडस्ट्री को। भोजपुरी में कोई एक्टर देखा हूँ जिनकी फिल्म नहीं चलती थी फेसबुक पे लाइव होके बोलते हैं, मीडिया सोशल पे लाइव होके बोलते हैं मेरी फिल्म नहीं चली, ये मेरी फिल्म हिट हुई। क्या बात है राव भाई बताइए, मैं खुद बोल दिया था कि मेरी मैं चार पांच फिल्में किया मेरी सारी फिल्में सुपर फ्लॉप हुई, तो मीडिया वाला बोले कि यार कैसा हीरो हो आप, अपनी फिल्म के ही बोल रहे हो कि सब फिल्में फ्लॉप। सच्चाई एक्सेप्ट करने का कलेजा हर किसी के पास नहीं होता प्रिंस बाबू, और ये अच्छा है कि आपके पास है। और जिसके पास जो सच्चाई एक्सेप्ट कर लेता है, वास्तविकता को अपना लिया आपने, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड मैं फिल्म अच्छी कामयाबी के उसने झंडे गाड़े और ये उसके एक पार्ट है, तो मैं आई एम थैंकफुल टू करण पांडे जी कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है नागराज में। एंड अयाज भाई के साथ भी बहुत जल्दी काम करेंगे क्योंकि इनके साथ तो हमने शुरुआत से दो तीन बड़ी हिट फिल्में दी। जी जी, बहुत अच्छा लगा, सही बता रहे हैं आपके साथ काम करके। और आपका एक्टिंग है जो आपकी जो है एक्टिंग करते हो, जो आपका बिहेवियर है रियली टचवुड बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जो है इसी वजह से इंडस्ट्री और ऑडियंस सभी आपको लाइक करते हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको ऐसी और कामयाबी दे और हम लोग आगे साथ काम करें। सो स्वीट, और बिल्कुल करेंगे, बहुत जल्दी काम करेंगे, इवन अगले महीने। एक्चुअली मैं कसम पैदा करने वाले की पार्ट टू मेरी फ्लोर पे जा रही है। पिछले साल की एक बड़ी एक यूनिक फिल्म हमने बनाई थी जिसमें कुत्ता और बंदर लेकर के हम आए थे पहली बार, और पर्दे के ऊपर कुत्ते और बंदर ने मिल करके डिलीवरी करवाई थी एक औरत को, जो एक सुखद अनुभव था वो देखना पर्दे पर। हाथ बड़े करो, और कसम पैदा करने वाले की पार्ट टू लेकर के हम लोग आ रहे हैं। बड़ी कमाल की फिल्म है, अद्भुत फिल्म है, और उम्मीद करता हूँ कि उस फिल्म में मेरे साथ अयाज भाई रहें, अगर इनका डेट मैनेज हो जाए तो कसम पैदा करने वाले की पार्ट टू में होंगे ये। क्यों नहीं, मैनेज करेंगे, बिल्कुल मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो मैं इंडियन फिल्म के जो हीरो हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई प्रिंस सिंह राजपूत को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो इंडियन फिल्म बनाई है, इतने अच्छे डायलॉग, इतने अच्छे कन्वर्जेशंस, VFX, जो ईच एंड एवरीथिंग थे, जो टीज़र एंड ट्रेलर हमने देखा वो बहुत ही उम्दा किस्म का बनाया हुआ है। मेरी तरफ से पूरी टीम को, पूरी इंडियन टीम को, जिसमें मेरे दोस्त, मेरे भाई दुबे जी हैं, विपिन सिंह जी हैं, सबको, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ भैया। इंडियन टीम के पूरे टीम को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, पिक्चर सुपर हिट हो यही मेरी शुभकामना है, थैंक यू। और ये प्रिंस भाई आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक बार और भैया पूछिए ना, भाई पूछिए अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ, मैं बोलूँ, मैं पूछता हूँ, आप ट्रेलर लॉन्च में सबसे पहले इनविटेशन आपको गया था और सबसे लेट आए हैं आप, इसका पहले बताइए। कुछ गेस्ट लोग पटना से आए हुए हैं तो मैं उन्हीं के खातिर में हूँ, मैं यहाँ से भी वहीं जा रहा हूँ, और दीपक जी का फोन आया तो मैं भाग के आ गया। चलिए, तो इंडियन की टीम इस बात के लिए इनका शुक्रगुजार है कि व्यस्तता में भी इन्होंने दो मिनट का वक्त निकाला। इंडियन फिल्म का ये जो ट्रेलर रिलीज हुआ है बड़ा ही खास ट्रेलर है, एक्शन से पैक ट्रेलर है, तो प्रिंस बाबू के लिए चार शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? प्रिंस बाबू हमारे घर के हैं, हमारे गांव के हैं, सिवान से बिलोंग करते हैं, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, इनकी और दो फिल्में आई है बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छा एक्टिंग किए हैं, और इंडियन फिल्म सुपर हिट हो यही मेरी शुभकामना। पहली फिल्म आप ही लिए थे भैया पुलर? हाँ, पुलर कटिंग के राइट सारा मेरे पास है, उसके बाद अभी इन्होंने दूसरी कंपनी को दिया है तो और साथ ज़्यादा हिट हो जाए। चलिए अभय जी,
आज ट्रेलर टीजर लॉन्च हुआ, ट्रेलर कब लॉन्च होगा? आपने देखा देशभक्ति को, क्या करना चाहिए? इंडियन की पूरी टीम को मेरी यानी राजकुमार पांडे की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस फिल्म के निर्माता दीपक जैन जी, इस फिल्म के डायनेमिक एक्टर हीरो और खूबसूरत हंसमुख पर्सनालिटी प्रिंस सिंह राजपूत, रितिका शर्मा और शिखा रूपा सिंह और तमाम और एक्टर कलाकार जिन्होंने काम किया है, कटप्पा हमारे प्रेम दुबे, बहुत सारे लोगों ने काम किया है और मेरी तरफ से दिल से ढेर सारी शुभकामना। फिल्म अच्छी हो और अच्छा दर्शक उसको पसंद करें, कंटेंट बहुत अच्छा है, देशभक्ति की भावना है, क्योंकि 15 अगस्त का ये 15 अगस्त का वीक चल रहा है, मौका चल रहा है, तो उसमें सबको वैसे ही जोश खरोश आ जाता है और इस जोश के साथ जोशीला ट्रेलर आप लोगों के बीच आ रहा है जिसका नाम है इंडियन, आप लोग ज़रूर देखें और अगर अच्छी फिल्म है, किसी की भी फिल्म हो, आप लोग अपना आशीर्वाद ज़रूर दें और सिनेमा घर में सिनेमा देखने जरूर जाएँ। सर निकी मुखिया में नया क्या होने वाला है के बारे में बिल्कुल बताना चाहूँगा, पर फिलहाल मैं यहाँ पर अपने मामा की फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे आया हूँ, सो आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट ओनली। सो यहाँ पे मतलब मैं पर्सनली देख रहा हूँ कि जितने लोग आ रहे हैं कैमरे के सामने, एवरीबॉडी इज विशिंग द फिल्म की फिल्म बहुत ग्रेट सक्सेस हो, ये तो मैं दिल से चाहते ही हूँ कि फिल्म बहुत बड़ी सक्सेसफुल हो। बट बीइंग अ सेल्फिश पर्सन, मैं अपने मामा के बारे में बात करूँगा। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन और मतलब जितना मैं उनको जानता हूँ, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, इज़ अ मूडी काइंड ऑफ पर्सन, वो चीज़ों के लिए बड़े सेलेक्टिव है, बड़े चूजी काइंड ऑफ थिंग है। तो इस फिल्म में कोई ना कोई एक फैक्टर ज़रूर दिखी जो इस फिल्म को मेरे मामा ने चूज़ किया। सो इस फिल्म में कोई ना कोई एक फैक्टर ज़रूर होगा जिसकी वजह से मेरे मामा ने इस फिल्म को चूज़ करी है। आई विश ऑल द बेस्ट टू एंटायर टीम ऑफ इंडियन और प्रोमो देकर आप लोगों ने हिसाब तो लगा ही लिया हो कितनी बड़ी हिट फिल्म है। सो और भैया ने बोला भी कि अगर जो नहीं देखेगा वो पाकिस्तानी है, सो आई कम्प्लीटली एडमिटेड। और प्लीज़ गो टू सिनेमा हॉल, वॉच दिस फिल्म एंड मेक इट अ वेरी बिग हिट। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चॉइस दर्शक की होती है कि वो किस फिल्म को देखें और किस फिल्म को ना देखें, और अगर अच्छी फिल्म है तो मैं हमेशा अपील करता हूँ आप लोग ज़रूर देखें और आप लोग सिनेमा घर में सिनेमा को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप सिनेमा घर में फिल्म को नहीं देखेंगे तो आपकी भाषा, आपकी भोजपुरी और आपकी भाषा की फिल्में आगे नहीं जा सकती हैं। और अगर इसको बहुत आगे बढ़ाना है, इंडस्ट्री को और बड़ा करना है, तो आपको इन फिल्मों को सिनेमा घर में और अच्छी फिल्मों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और देना ही पड़ेगा। वेरी गुड, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जो आपकी फिल्म ना देखे क्या वो पाकिस्तानी है? नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पूरी तरह हिंदुस्तानी है। हर व्यक्ति को अपनी वॉइस रेज करने का हक है, हर व्यक्ति अपनी बात कर सकता है, डेमोक्रेसी यहाँ पर, और किसी के चॉइस पर आप लगाव नहीं लगा सकते। आनंद जी, आई कैन सी यू वेरी स्मार्ट मीडिया पर्सन। एक बार फिर आप के साथ दुल्हन लाने की तैयारी कर चुके हैं? हाँ, ये जब तक पाकिस्तान खुद सरेंडर नहीं कर देगा तब तक ये दुल्हन लाने का जो सिलसिला है वो, और वहाँ से दुल्हन आने का जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा। और मुझे लगता है जब तक पाकिस्तान खुद कदमों में ना गिर जाए तब तक हमारे रमाकांत जी नहीं छोड़ेंगे उसको। तो वो नहीं, मैं तो एक बनाई थी उसका सीक्वल बनाया हूँ, तो वो बिल्कुल शुरू मैंने किया था। उस कड़ी में बहुत सारे लोग जुड़ गए और बहुत सारे लोग उस कंटेंट पर फिल्म बना रहे हैं। जैसे नागिन मैंने पहली बार बनाई थी तो बहुत सारी नागिन बन रही है, तो ये एक अच्छी बात है, जो कंटेंट चलता है लोग उस पर बनाना चाहते हैं और उसको फॉलो करना भी चाहिए। थैंक यू। रमाकांत जी ने अच्छे से बनाया इस फिल्म को, म्यूजिक अच्छे हैं, गाने अच्छे हैं, स्टोरी अच्छी है और ख़ास तौर से हमारे प्रिंस सिंह राजपूत जी का एक्टिंग अच्छा है। पूरे टीम को मैं दिल से बधाई देता हूँ कि इंडियन सुपर हिट हो, ऑडियंस इस चीज़ को प्यार और आशीर्वाद देना। आपकी फिल्म आई थी डायरेक्टर? जी जी हाँ, बलमा डेरिंगबाज है रिलीज पे, आएगी बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, थैंक यू। आइए, इंडियन कुछ कहना चाहते हैं आपकी शुभकामनाओं के? सबसे पहले तो अपने भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो एक भाई और एक दोस्त जब के लिए कुछ अच्छा होता है तो दिल में अंदर से बहुत खुशी होती है और हमें सच में अभी बहुत खुशी हो रही है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस फिल्म के लिए। इनके लिए कुछ गा दीजिए, सुना दीजिए थोड़ा सा, अपने भाई के लिए, अपने इस दोस्त के लिए। भाई हमारा
गावा तू कुछ गावा रहुए गाइए मुझे छोड़ के दोनों गाइए आप भी कुछ गाइए आप भी तो भाई हैं दोस्त हैं हमारे था तो मैं वहां से उन्होंने कहा था कि आप कविता सुना रहे हैं कि डरा रहे हैं उससे पहले गा था चलिए आप दोनों गाइए मैं तालियां बजाऊंगा नहीं भैया गाएंगे सिंगर अरे आप भी गाइए एक गाना मैं इनको डेडिकेट करना चाहता हूं आइए रितिका जी कि तो हर कोरी का बड़ा पाकिस्तानी है आपको लगता है ऐसा कहना चाहिए मतलब आपने एक फिल्म बनाई अगर मैं आपकी फिल्म नहीं देखता हूँ किसी चीज की वजह से तो सॉरी मैं जबरदस्ती अपने आप को अंदर डाल रहा हूँ बट ही इज अ काइंड ऑफ मीडिया पर्सन प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा ही इज अ काइंड ऑफ मीडिया पर्सन जो एक्टर्स को और बाकी लोगों को ध्यान से देखिए इनके चेहरे सो दैट्स माय जॉब नो नाउ आई एम अप्रिशिएटिंग योर जॉब बड़ी आई एम अप्रिशिएटिंग थैंकफुल टू यू हां यस जितने लोग आ रहे हैं आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू एवरीबॉडी बट दैट्स न्यूज़ वेरी स्मार्ट यू विद द क्वेश्चन ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू थैंक फॉर द अप्रिशिएशन नाउ वी कंटिन्यू रितेश जी देखिए अगर ये बात कहा गया है कि इंडियन पिक्चर देखना चाहिए तो जाहिर सी बात है अगर वो इस नाम को कहा गया जी हम इंडियन हैं गर्व है हमको मुझे भी गर्व है सबको गर्व होना चाहिए इस बात पे क्वेश्चन मार्क है रितेश जी से जी रितेश जी रितेश जी पहले जवाब दीजिए रितेश जी धर्म संकट में डालते हैं नहीं सीधा सा सवाल है या तो आपकी फिल्म बनाई हुई मैं देखता हूं तो मैं पाकिस्तानी नहीं इंडियन होकर नहीं देखता हूं तो मैं पाकिस्तानी हूं आपको ऐसा कहना चाहिए नहीं ऐसा तो नहीं है बट ये फिल्म जैसा एक अपना देशभक्ति का भावना होता है जैसे हम एक देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत होकर एक फिल्म बनाए इंडियन तो अगर मैं वो फिल्म बनाया हूँ मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ तो मुझे पता है कि उस फिल्म में कितनी देशभक्ति है तो एक तरह से वो लोग कह सकते हैं जो इस फिल्म के हिस्सा हैं या फिर जो भी हैं कि जो ये नहीं देखेगा वो पाकिस्तानी है सपोर्ट करते हैं उनका ऐसा कहना चाहिए जी मैं उस टीम का सपोर्ट करता हूँ जिसने उस फिल्म को जिया है जो बनाया है और उसको ऐसा कहने का हक है अगर उसको अपने पे भरोसा है तो होगी इसको थैंक यू